देश की राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, धारा 144 लगा दी गई है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, सिंघू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगाकर दिल्ली पुलिस और आर्मी के जवान तैनात हैं। सिंघू बॉर्डर पर आने वाली सभी गाड़ियों को अच्छी तरीके से चेक करने के बाद ही आगे भेजा जा रहा है। दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से चौकन्नी हो चुकी है ताकि बाहर से आने वाले मेहमानों के साथ कोई भी अनहोनी ना होने पाए। सभी सावधानियों को देखते हुए सिंघू बॉर्डर पर काफ़ी मात्रा में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं और पूरी तरीके से सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। बता दें, दिल्ली के अंदर फिलहाल पहाड़ी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। G20 सम्मेलन के बाद ही पहाड़ी वाहनों की आवाजाही फिर से दिल्ली के अंदर शुरू की जाएगी। वहीं G20 सम्मेलन में अलग अलग देशों से कई दिग्गज नेता मेहमान बनकर पहुंचने वाले हैं। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में सम्मेलन का आयोजन होना है और इसको लेकर सभी तैयारियां भी पूरी कर दी गई हैं। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से पूरी दिल्ली में जगह जगह पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं ताकि आने वाले मेहमानों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।